हेलो गाइस, वेलकम टू अवर माय चैनल। हम आपके लिए लेकर आए शीर खोरमे की रेसिपी। सभी की फरमाइश थी कि शीर खोरमा दोबारा बनाया जाए, तो हमने सोचा कि आप लोगों को शेयर किया जाए शीर खोरमे की रेसिपी। चलिए हम अब बताते हैं इसमें क्या क्या लगेगा। ये देखिए, हमने सिमई ली हुई है, खोया, ड्राई फ्रूट्स, इलायची, 2 लीटर दूध लिया है। दूध को हम पकने के लिए गैस पर रख दे रहे हैं धीमी आंच पर। कम से कम इसे 1 घंटे दूध को हम पकाएंगे। शीर खोरमा की रेसिपी बहुत आसान है, बनने में इसे समय लगता है, मगर खाने में बहुत ही लजीज लगता है ये शीर खोरमा। इसे हमने गैस पे रख दिया, इसे ढक कर रख दे रहे हैं। थोड़ा सा खोल के रखेंगे, जब तक भाप बनेगी तो ढक्कन रखेंगे, नहीं तो इसको ढक्कन को फिर हम खोल देंगे। देखिए मेरा दूध बॉइल होने लगा है, इसे हम चलाते रहेंगे धीरे धीरे। जब तक मेरा दूध बॉइल हो रहा है, जब तक ड्राई फ्रूट्स काट लेते हैं। हमने फ्राई चढ़ाई हुई है, इसे हम देसी घी डालेंगे। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के हम थोड़ा सा ले रहे हैं। हम 2-3 मिनट तक फ्राई करें। देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं, हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए, हम इसे निकाल ले रहे हैं। इसमें हम फिर देसी घी डाल रहे हैं सिमई फ्राई करने के लिए। आप लोग अगर देसी घी डालना चाहें, देसी घी या कोई भी चीज डालना चाहें डाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा सिमई नहीं पड़ती है सिर खोरमे में। देखिए हमारी इसमें फ्राई हो गई है, इसे हम निकाल के दूध में डाल दे रहे हैं। दूध में डाल दिए, इन्हें हम पकने के लिए रख दे रहे हैं। अब ये हमारी इसमें पकेंगी। इसमें हम 1 कटोरी से कम चीनी डाल दे रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से डालिए, जैसा आप मीठा खाते हैं। तो हम अपना फ्राई में खोया को भून ले रहे हैं। खोए को हम भून के डालेंगे। देखिए मेरा खोया भून गया, इसे हम निकाल ले रहे हैं। देखिए मेरा शीर खोरमा पक रहा है, इसमें हम इलायची पाउडर डाल दे रहे हैं। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल दे रहे हैं। खोया भी नहीं डालेंगे, अगर डालेंगे गरम में तो खोया पिघल जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा जब डालेंगे। इसे हम 5 मिनट और पकाएंगे, हमारा शीर खोरमा बनकर तैयार हो जाएगा।
अब हम सिर कोरमे में बघार लगाएंगे, इसका मतलब तड़का लगाएंगे। देसी घी डाल दिया है, हमने दो इलायची को चटका ली है, हमारी इलायची चटकने लगी है, इसको हम सिर कोरमे में डाल लें। देखिए मेरा सिर कोरमा ठंडा हो गया है, इसमें अब हम खोया डाल रहे हैं। मेरा सिर कोरमा देखिए बनकर तैयार हो गया है। आप लोग मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। देखिए मेरा सिर कोरमा तैयार है। आप लोग कमेंट्स द्वारा बताइए आप लोगों मेरा सिर कोरमा की रेसिपी कैसी लगी, और मेरी डिश को लाइक ज़रूर करिएगा।